आधार पर है। और जो राशन बांटने की बात कह रहे हैं, जो राशन हमारे समय में दाल भी मिलती थी, सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, वो भी बंद कर दिया। कह रहे 5 किलो हम गेहूं देंगे, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरा दे रहे हैं, और ऐसा अनाज दे रहे हैं जो जानवर भी ना खाए। तीन दिन का इसके समय से आप? नहीं, मैं तो कहा इसको बढ़ाओ। आपने क्या मांग रखी थी सत्र को लेकर? मैंने कहा कम से कम 1 हफ्ता और चलो। ये बताएं कि सदन के अंदर कांग्रेस का क्या रवैया रहना, क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर भी। आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, हम लोगों ने भेज रखा है पक्ष में, लोगों की समस्या है, लोगों की आवाज जो आज आएगी स्थिति उसकी आवाज उठाएं। गृह मंत्री ने खुद ही CBI जांच की बात कह दी है, सरकार को पत्र लिखा है, आपको लगता नहीं कि मुद्दा कहीं आपसे छिन गया है? आएंगे ना सर, 35 कॉलिंग अटेंशन लगा लेते, क्या लगता है सब पे चर्चा होगी, सरकार का कहीं ना कहीं रुख तो पता लगेगा? प्रयास होगा हमारा और 0 आवर में उठाएंगे हम सब। नहीं, हमने फैसला ये किया है, फैसला होगा क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर चले, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर चलेगा, उसमें सब नेता। देखिए, लोकतंत्र की सरासर हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी और JJP की सरकार ने करने का काम किया है। विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए विधानसभा में जाना चाहते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे CLP लीडर हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने एक प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ, किसानों के जो 3 कृषि काले कानून हैं उनके खिलाफ, बेरोजगारों को जो नौकरी देने का झांसा दिया, फिर पेपर लीक, सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। हमें लगता है सरकार जो है कतई भी हमारे युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। जी, खुद गृह मंत्री हैं जो सरकार में, जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, सही ढंग से पेपर्स हों, उन्होंने भी CBI जांच की जब बात कही है। हम चाहते हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस बात की जांच हो, और जो युवा हमारा आज डिप्रेस्ड हो गया, परेशान हो गया, जिसको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, एक तो आप अच्छे पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं दे रहे हैं, और दूसरा जो युवा पेपर के लिए अप्लाई करता है, पेपर लीक के माध्यम से आप जो है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ आज की ये सरकार पूरी तरह से फेल है, जनता को और जनप्रतिनिधियों का ये विश्वास खो चुकी है। आज मुख्यमंत्री, इनके मंत्री और विधायक जो है क्षेत्रों में जा नहीं सकते। मैं समझती हूँ आज इनको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी आज इनको वो है गलियों में घुसने नहीं दे रहे। लेकिन तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, स्वास्थ्य का गिरता हुआ स्तर है, मेडिकल एजुकेशन का गिरता हुआ स्तर है, रिजेंटमेंट है पूरे एम्प्लॉयज में और हरियाणा प्रदेश के जनमानस में, उसी